आलिया भट्ट की नई फिल्म जिगरा हाल ही में रिलीज हुई और इसे लेकर लोगों की राय मिली जुली है। आलिया के फैंस को फिल्म काफी पसंद आ रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन पर शायद आलिया का ये जादू नहीं चला। फिल्म 11 अक्टूबर को रिलीज हुई थी और इससे पहले दिन का कलेक्शन ठीक ठाक रहा। अब मजेदार बात यह है कि कुछ लोग जिगरा की तुलना कर रहे हैं इसी साल आई एक और फिल्म सावी से। इसमें दिव्या खोसला, अनिल कपूर और हर्षवर्धन राणे लीड रोल में थे। और अब जब जिगरा रिलीज हो चुकी है तो दिव्या खोसला ने आलिया भट्ट पर तंज कसते हुए एक नई कॉन्ट्रोवर्सी शुरू कर दी है। हुआ कुछ ऐसा कि टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार की पत्नी और एक्ट्रेस दिव्या खोसला ने एक खाली थिएटर की तस्वीर शेयर की और सीधे तौर पर कहा है कि जिगरा की स्क्रीन करने वाले थिएटर खाली पड़े हैं। उन्होंने अपने कैप्शन में लिखा है कि झूठ पर हमेशा सच्चाई की जीत होती है। अब आप समझ सकते हैं कि ये बयान कितना आग लगाने वाला था और सोशल मीडिया पर इसका बवाल मच गया है। सैकनिल की रिपोर्ट के मुताबिक जिगरा ने पहले दिन 4.25 करोड़ से 4.50 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कुछ लोगों के लिए कमाल था तो कुछ के लिए निराशाजनक। दिव्या ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि वो सिटी मॉल PVR में जिगरा का शो देखने गई और वहाँ पूरा थिएटर खाली था। उन्होंने मजाक में कहा, आलिया भट्ट सच में बहुत जिगरा है, खुद ही टिकट खरीदे और फर्जी कलेक्शन अनाउंस कर दिए। कुछ समय पहले जब जिगरा और दिव्या की शावी की तुलना हो रही थी तो दिव्या ने कहा था कि हर फिल्म का अपना एक रास्ता होता है और वो खुश है उन्होंने ऐसी फिल्म में काम किया। अब अगर बात करें शावी की तो ये एक क्राइम थ्रिलर है जिसमें कहानी एक महिला शावी की इर्द गिर्द घूमती है। शावी के पति को उसकी कलीग की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर कहानी दिखाती है कि कैसे शावी अपने पति को जेल से बाहर निकालने की जद्दोजहद करती है। तो ये थी आलिया की जिगरा और दिव्या की शावी के बीच तकरार की कहानी। अब देखना ये होगा कि इस नई कॉन्ट्रोवर्सी का क्या अंजाम होता है।